हमारे साथ जुड़े हुए इनसे बातचीत करेंगे, क्या रहा आज का पड़ाव का। 12 सूत्री मांग पत्र था, उसमें से सरकार ने कुछ चीजों पर सहमति जताई है और अपील की है कि ये महामारी का संकट है, इसकी वजह से आप जुलूस ना निकालें। हम लिखित में चिट्ठी आपको दे रहे हैं, 90 दिन की वेरिफिकेशन का, जो कैंसिल किए गए फार्म उनको बहाल करने का और ये फैमिली आईडी की शर्त हटाने का, इन चीज़ों पर सरकार ने सहमति जताई है। बेहतर रहे सरकार ये समाधान 11 तारीख की बोर्ड की मीटिंग में कर दे, नहीं तो भाई हम भी मरे ना, हम भी अड़े जीवा हैं, फिर खड़दू कर देंगे जाके, कड़े कौन जाने सारे हरियाणा के मजदूर अड़े हैं। तो फिलहाल जो है पड़ाव रद्द कर, पड़ाव को स्थगित किया गया, रद्द नहीं किया गया है। रद्द तो किसान आंदोलन को नहीं हुआ, हमारा क्यों कर रद्द होगा, हम भी चलेंगे, जीतेंगे हर हालत में। जुकर देश आजाद करवाने खातर लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, न्यू इन के खिलाफ लड़ना पड़ेगा जब लोग ने जीत हासिल। तो कॉमरेड साहब आज कुछ संतुष्टि हुई है इन मांगों को लेकर? थोड़ी थोड़ी हुई है, थोड़ी थोड़ी सरकार पावसी है, थोड़ी थोड़ी रह रही है, बाकी भी कर लेंगे, पूरी छोड़ा को नहीं है, पक्की बात है। तो पूरी पहुंचाएंगे कब? पक्का पूरी पहुंचाएंगे, 23-24 तारीख ने हड़ताल करने लग रहे सब देश में, सारे ब्लॉक के हम प्रदर्शन करेंगे ठोक ठोक के, और भुंडी डाल रोवांगे, सरकार ने नाश ठा रखा देश का, सूट उठा दिया, बेचना काट दिया सारा देश। तो आज क्या संदेश देना चाहेंगे अपने मजदूर? संदेश स्पष्ट है, तमाम मजदूर साथियों को पंजे गाड़ के लड़ना पड़ेगा, देश के आजादी के आंदोलन में जिस तरीके से हमारे पूर्वज लड़े थे, अपनी जिंदगियां उन लोगों ने लगाई थी, न्यू में सरकार के खिलाफ पंजे गाड़ के लड़ना पड़ेगा, तभी कुछ हासिल हो सकता है। मेरा नाम सुखवीर सिंह है, राज्य का महासचिव हूं मैं, भवन निर्माण कामगार यूनियन CITU का।